नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नॉलेज विद शुभम। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने गांव में हूं, तो आज मैं सोचा कि अपने नाना जी के साथ खेत में जाता हूं और वहां पे आपको खेत खलियान के बारे में कुछ जानकारी दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं गांव से बाहर आ चुका हूं इस वक्त, और जो यहां पे धान गेहूं उगाए जाते हैं वो सब आपको इस वीडियो में आपको अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी आपको धान का फसल दिखा रहा हूँ। ये जो आपके सामने हरा हरा, ये धान का फसल है, और इस फसल में काफ़ी पानी है। और इस गांव के मुख्य फसल धान, गेहूँ, मटर और खेसारी है। गांव का बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये देखिए, ये आगे तक वृक्ष हैं। तो नाना जी, ये बताइए अभी कि ये जो धान का फसल है, किस मंथ से किस मंथ तक उगाया जाता है? ये समझ लो कि सावन मास में रोपाते हैं, और अभी तैयार है, पानी निकलते ही जो है ना पकना शुरू हो जाएगा। 20-25 दिन में धान काटने लायक हो जाएगा। लेकिन इन साल जो है ना कुछ धान कमज़ोर हुआ, वर्षा लेट में हुआ। यही धान यदि और 10-15 दिन पहले रोपा जाता तो ये अच्छा दर में जाता। करीब 1 बीघा में 20 कट्ठा में 50 मन धान होता है, लेकिन इन साल 40 से 45 मन तक धान होगा, क्योंकि कुछ 10-15 दिन लेट में धान ही रोपाया है। अच्छा, और ऐसे अगर ये तो धान का भी सीजन है जो धान उगाया जाता है, मान लीजिए कि अगर मार्च या अप्रैल रहता तो क्या इसमें क्या उगता? अभी जो है ना इसमें मटर खेसारी जो है ना छीट देंगे, ये निकालने के बाद नहीं अभी छीट देंगे पानी में। अच्छा, इसी के साथ? हाँ, 24 घंटा 30 घंटा तक पानी में रहेगा, उसके बाद पानी को निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद अपने आप जो है ना खेसारी मटर जो भी छीटेंगे अंकुरना शुरू हो जाएगा, अंकुर के ऊपर पेड़ पौधा हो जाएगा। करीब एक एक बीटा का होगा तो धान पक जाएगा, तो धान काट लेंगे और खेसारी मटर अपने आप हो जाएगा। उसको कोई छूछा का जरूरी नहीं है, यदि सकरात समय वर्षा हो जाएगा तो अच्छा फसल और रबी का हो जाएगा। लेकिन और धान काटने के बाद इसमें कोई मेहनत नहीं है, खाली अभी जो है ना खेसारी या मटर छीट देते हैं, छीटने के बाद जो है ना कुछ नहीं करना है, पानी को 24 घंटा के बाद निकाल देंगे, वो अपने आप खेसारी मटर फूल जाएगा, अपने आप हो जाएगा, धान पक जाएगा, तो धान को 20-25 दिन के बाद कटने लगा देंगे। नाना जी, वो मुझे एक धान नज़र आ रहा है, वो वहाँ पर जो पीला है धान, वो पीला क्यों नज़र आ रहा है? जो हमारे बगल में जो धान दिखाई दे रहा है ना, वो 10-15 दिन पहले रोपाया है, खेत खाला है, उसमें पानी जमा हो गया था। अच्छा, तो इसलिए वो 10 दिन पहले रोपाया है तो वो धान अब पकने वाला है। आई 10 दिन बाद में रोपाया है तो ये अभी हरा धान है। तो अब पूछ के कौन धान है। अच्छा, ये कौन सा धान हुआ? ये धान जो है ना मंसूरी नटवा बोलते हैं। मंसूरी नटवा? हाँ, इसका दर जो है ना ज़्यादा ज़्यादा है। आई देखो, ये जो बगल में रोपा है जी, ये सुपर है, ये सुपर है, ये धान सुपर है, ये कुछ दर में कम जाता है, लेकिन इसका जो है ना चावल अच्छा बनता है, इसका चावल बढ़िया बनता है। हाँ, इसका दाम। वो जो पीला वाला है वो भी नटवे है, लेकिन वो पहले रोपाने के चलते वो जो है ना पकने लगा। अच्छा, लेकिन कटेगा सब एक ही साथ, करके पानी जो है ना, यहाँ का खेती जो है ना, पानी निकलेगा तो सबका एक बार निकलेगा। ऐसा ये धान पहले पकता है या ये धान पहले पकता है? दोनों साथ ही पकेगा। अच्छा, दोनों साथ ही पकता है। खेत में जाने का ये पतला सा रास्ता है और काफी डेंजरस रास्ता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से अगर आप शहर से आएंगे तो इस रास्ता से जा पाएगा। ऐसे गांव के लोग को तो आदत रहता है जाने का, लेकिन जो शहर के लोग को रहता है वो थोड़ा उनको दिक्कत रहता है। एक और बात आपको बताना है, मेरा एक फेसबुक पेज है नॉलेज विद शुभम के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, लिंक को टच कीजिएगा तो मेरा फेसबुक पेज खुल जाएगा। तो मेरा फेसबुक पेज पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में आगे ब्लॉग डालने वाला हूँ। जैसे अभी पेड़ पौधे के बारे में कुछ जानकारी जो अभी आपके बीच शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग में पहले ये बता चुका था कि ये वीडियो आने वाला है, तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए,
फेसबुक पेज पे। आधा नल से पानी आ रहा है। कौन नल बात ये वाला? हां हां, मछली मारे लगा दो बात। ये जो मैं संगे से लड़ा हूं ना, ये जो धान है नजर आ रहा है, ये दूसरा धान नजर आ रहा है देखने में लग रहा है हमको। ये जो धान है ना, मेहका बोलते हैं, मेहका हरवा, इसका जो है ना चावल का कीमत बहुत है, समझिरवा बोलते हैं इस धान को। ये जो है ना दर में कम जाता है, कट्ठे मन है एक बीघा में 22 मन 24 मन हो गया तो बहुत है धान। इसका चावल जो है ना धान, जो पहले वाला धान देखा उससे सीधे जो है ना दोगुना से भी ऊपर बिक्री होता है चावल का। ये समझिरवा चावल बोलते हैं मही का, तो ये दर में कम जाता है। अच्छा, और ठीक पीछे भी है। हाँ, यही धान, वही धान है। हाँ, सबसे लास्ट में ये रोपाता है, सबसे लास्ट में। हाँ, पहले फूटता है। पहले ज़्यादा टाइम किस में लगता है? इसमें कम लगता है। अच्छा, वो सब धान के अपेक्षा जो है ना, ये जो लास्ट सब रोप लेते हैं तब इस धान को रोकते हैं। अच्छा, और ये धान जो है ना पहले फूट जाता है। तो गाइस, इस वक्त मैं आपको खेत का जानकारी दे दिया हूँ और अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो अभी घर काफ़ी दूर है, तो इस साइकिल से मैं जाऊँगा, इस साइकिल का उपयोग करूँगा। तो मैं घर पे आ चुका हूँ और घर पे देखिए दोस्तों, ये गाय, ये देखिए बहुत खूबसूरत गाय, और यहाँ पर बाछी है ये, और एक और गाय है अंदर में। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स से, और मुझे कमेंट कीजिए। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप टच कीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ अब तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया मुझे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाइए, लिंक को टच कीजिएगा तो मुझे फॉलो कर लेंगे आसानी से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।